स्वागत है आपका भारत वॉइस में। दिल्ली से आज भाजपा के लिए जो खबर आई है वो भाजपा को और पूरी सरकार को हिला देने वाली खबर है। खबर बहुत छोटी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए चिंता की बात है क्योंकि दिल्ली में एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली के 5 वार्डों में उपचुनाव हुए हैं लेकिन उस चुनाव के नतीजे ऐसे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता पैदा करने वाली बात है। राजधानी दिल्ली और दिल्ली में हुए उपचुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलती है। 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। जिस तरह से लोगों ने 5 में से 4 सीटें देके अरविंद केजरीवाल जी की 6 साल की राजनीति पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की राजनीति का सुपड़ा साफ किया है, वो एक बड़ा मैसेज है दिल्ली की जनता की तरफ। और बड़ी बात यह है कि एक सीट जो उसकी अपनी थी एमसीडी में, उस सीट को भी भाजपा गंवा देती है। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठ रहा है कि क्या जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प लोगों को मिलता है, मजबूत विकल्प मिलता है, वहां वहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ होता है और लोग भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला है और उसके पहले ये एमसीडी के चुनाव का सेमीफाइनल दिल्ली में कहा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो मैंडेट आया है लोगों ने, दिल्ली की जनता ने जो आपको सभी सीटें दी हैं और एक सीट कांग्रेस पार्टी को दी है, वो सीधे सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की कितनी नाराजगी है कि एक सीट भी लोगों ने, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। अब भाजपा का विकल्प अगर कहीं पर भी बनता है तो लोग उसको चुनते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। हाँ, ऐसी जगहों पर जहां पर वोटों का बंटवारा हो जाए, ऐसी जगहों पर जहां पर भाजपा का विकल्प नहीं है, गुजरात में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में उस हिसाब से जो एक दूसरे के अंदर समन्वय होना चाहिए पार्टी के अंदर, उसकी थोड़ी कमी ज़रूर नज़र आती है, चाहे पार्टी के लोग माने न माने, लेकिन इसी तरह के हिसाब किताब की वजह से वहाँ पर भाजपा जीतती रही है। अगर गुजरात में दूसरी पार्टियों का विकल्प बनता है तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोग वोट नहीं देंगे। दिल्ली के शालीमार बाग, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, रोहिणी, चौहान बागड़ और इस तरीके से यहाँ पर 4 वार्डों में आप प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, जबकि एक वार्ड में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और भाजपा का पूरी तरीके से यहाँ पर जनता ने सफाया कर दिया है। कल्याणपुरी से आपके धीरेंद्र कुमार, जिनको 7,259 वोटों से जीत मिली है, उनका मुकाबला भाजपा के सियाराम से था। शालीमार बाग नॉर्थ में आपकी सुनीता मिश्रा ने 2,705 वोटों से जीत हासिल की। सिर्फ एक वार्ड चौहान बागड़ से कांग्रेस के जुबैर अहमद जीते हैं, उन्होंने आपके इशराक खान को 10,642 वोटों से हराया है। त्रिलोकपुरी में आपके विजय कुमार ने भाजपा के ओम प्रकाश को 4,986 वोटों से मात दी। वहीं रोनी सी से आपके रामचंद्र ने भाजपा के राकेश गोयल को 2,985 वोटों से हराया है। तो हमने गुजरात में भी देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में एक बड़ा होल्ड है, वहाँ पर भाजपा की सरकार लंबे समय से है, लेकिन वहाँ भी जब स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन में, भाजपा को बड़ी मुश्किल से जीत मिलती है। अगर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो जाए, लोगों का विकल्प बनकर उभरे, तो गुजरात से भी भाजपा को उखाड़ फेंक सकती हैं ये राजनीतिक पार्टियाँ। लेकिन इन पार्टियों की कुछ कमजोरी की वजह से हम देख रहे हैं कि गुजरात में अगर जनता को आपका विकल्प मिलता है, सूरत में हमने देखा कि जिस तरीके से वहाँ पर महानगर पालिका का चुनाव हुआ था, उसमें सूरत में 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली और वहाँ पर केजरीवाल ने एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया था, रोड शो भी किया था। तो विकल्प नहीं मिलता है जनता को तो जनता भाजपा की तरफ चली जाती है या फिर वोटों का एक ध्रुवीकरण या बंटवारा हो जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी गुजरात में अपनी पैठ बनाती जा रही है। महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसमें भी उसने सीटें हासिल की। इसके अलावा अब जो नगर पालिका और जिला और तहसील पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें ओवैसी की पार्टी गोधरा में 8 में से 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई। मुडासा में भी AIMIM को 9 सीटें मिली है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ पर
भाजपा का विकल्प लोगों को मिल रहा है, लोग इस पार्टी को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी हार है, जहां पर दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। शालीमार बाग, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, रोहिणी, चौहान बागर, इनमें से 4 वार्डों में आप प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सिर्फ एक वार्ड यानी चौहान बागर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि भाजपा का कहीं भी कोई खाता नहीं खुला है। वोट प्रतिशत के हिसाब से भी अगर देखें तो भाजपा के लिए भारी चिंता की बात यहाँ पर हो सकती है। तो असल बात यही है कि दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव हुए थे, 5 सीटें यहाँ पर खाली थी। यहाँ पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता आखिर क्यों नहीं पसंद करती है? क्या दिल्ली के लोग चीज़ों को समझते हैं, राजनीतिक समझ वाले हैं, और इसी वजह से जब वो फैसला करते हैं तो उनको लगता है कि एक ऐसी पार्टी को सत्ता में नहीं लाना चाहिए जिस पार्टी के रहते हुए देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस पार्टी के रहते हुए देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए असल मुद्दे हैं, अभी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आसमान छू रही हैं। सरकार के मंत्रियों से जब पूछा जाता है, पत्रकार पूछते हैं, तो कहते हैं कि ये हमारे हाथों में नहीं है। किसान कहते हैं कि आने वाले दिनों में जब अडानी और अंबानी के हाथों जो उनके खेतों को बेच दिया जाएगा और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सरकार ने रास्ता खोला है वो हो जाएगा, तो वो भी मनमाने तरीके से अनाजों को बेचेंगे, किसानों से सस्ते में खरीदेंगे, आम लोगों को महंगे तरीके से बेचेंगे, तो भी सरकार कहेगी कि ये तो उसके हाथ में नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी चिंता की बात देश के आम नागरिकों के सामने है, व्यापारी वर्ग के सामने है, युवाओं के सामने है, किसानों के सामने है, महिलाओं के घर का पूरा बजट बिगड़ता जा रहा है उनके सामने है। तो लोग ये देख रहे हैं कि आखिर इन स्थिति में क्यों कर भाजपा को वोट दिया जाए और भाजपा के नेताओं को क्यों जिताया जाए। तो ये सिर्फ एक स्थानीय चुनाव हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इस चुनाव की चर्चा बड़े बड़े चैनल्स पर नहीं होगी, क्योंकि अगर यही चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो सोचिए अभी तूफान खड़ा हो जाता, हर चैनल पर इस पर बहस हो रही होती कि आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने केजरीवाल की जो पॉलिसी है, जो नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ वोट दिया है, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और मोदी का जलवा दिल्ली में भी, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहरा दिया है, और आने वाले दिनों में जो एमसीडी चुनाव उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी भूमिका निभाएगी और विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जाता, और फिर न जाने कौन कौन से चुनाव, और फिर पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से भी इसको जोड़ दिया जाता। लेकिन अब यह है कि असल बात यही है कि अब 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी इसी तरह की तस्वीर आने वाली है। हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं एक के बाद एक उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। अभी असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा को उम्मीद है कि सरकार वापसी करेगी, लेकिन अंदर खाने जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे जानकार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा के फेवर में वहां पर स्थितियां बन रही है, बल्कि भाजपा की एक सहयोगी पार्टी थी उसने भी उसका साथ छोड़ दिया है। प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं और उससे लोगों के अंदर भाजपा को लेकर जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आ रही है। CAA NRC की बात भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों से करती आ रही थी, लेकिन अब जब वहाँ पर असम में चुनाव हो रहे हैं तो भाजपा ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। असम के लोग समझ रहे हैं कि असल भाजपा की क्या पॉलिसी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नाक में दम कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में जीत हासिल किया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता को हराना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि ABP News जैसे ABP और सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें भी ममता बनर्जी सबसे पहली पसंद है और लोग कह रहे हैं कि TMC की सरकार राज्य में बननी चाहिए। तो दिल्ली का MCD का उपचुनाव बहुत छोटा चुनाव, 5 सीटों का चुनाव था, लेकिन इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिल्ली के बड़े नेताओं ने और देश के राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस पर पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा को इतना भी वोट नहीं आ पाया कि इसको सम्मानजनक कहा जाता। एक सीट भी अगर भाजपा को आ जाती तो कहा जा सकता था कि चलो भाजपा यहाँ पर आई है, या फिर वही सीट शालीमार बाग की जो इसकी अपनी सीट थी वही मिल जाती तो भाजपा के लिए थोड़ी सी सम्मान बचाने की बात होती, प्रतिष्ठा बच जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सामने आई है, कांग्रेस पार्टी ने एक सीट जीत ली और आम आदमी पार्टी
चार सीटें जीतने में कामयाब हुई। तो ये कहा जाएगा कि भाजपा को दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से खारिज और रिजेक्ट किया था, उसी तरीके से एमसीडी के उपचुनाव में किया है, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द एमसीडी के पूरे चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में भी भाजपा की स्थिति इसी तरह की हो सकती है।